गिनती की पुस्तक अध्याय 29, गिनती की पुस्तक अध्याय 29। फिर सातवें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक एक वर्ष के साथ निर्दोष भेड़ के बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10 और मेंढे के साथ एपा का 2/10, और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर उसी सातवें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना, फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10 और मेंढे के साथ एपा का 2/10 और सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। फिर सातवें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 भेड़ के बच्चे, ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से 1-1 बछड़े के पीछे एपा का 3/10 और दोनों मेंढों में से 1 मेंढे के पीछे एपा का 2/10 और 14 भेड़ के बच्चों में से 1-1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर दूसरे दिन 12 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेंढे और 1-1 वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े
दो मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों, मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर छठवें दिन 8 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर सातवें दिन 7 बछड़े और 2 मेंढे और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेंढों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। फिर आठवें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेंढे और एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे का हो। बछड़े और मेंढे और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्नबलि और अर्घ उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा चढ़ाए जाए। अपनी मन्नतों और स्वेच्छा बलियों के अलावा अपने अपने नियत समयों में ये ही होम बलि, अन्नबलि, अर्घ और मेलबलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी, जो उसने इस्राएलियों को सुनाई।